नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष दी और बन नक्सल। दोस्तों, लोग तरह तरह के मुसीबतों में फंस जाते हैं। यहां पर मेरे चैनल पर खास करके जो मुसीबतें उनके बारे में बात करते हैं, वो बिल्डर को लगते हुए हैं, रिडेवलपमेंट में फंसे हुए हैं, या टोकन जब्त हो गया है, या फिर यानी बेसिकली आप किसी बिल्डर के हाथों में फंसे हुए हो। ये टाइप की बातें हम यहां पर करते हैं मेरे चैनल पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि और टाइप के मुसीबतें नहीं है। बहुत सारी मुसीबतें हैं, बहुत सारी नाइंसाफी है लाइफ में, तरह तरह के रास्ते हैं जिससे लोग या तो अपने पैसे डुबा के बैठते हैं, या फिर अपना हक खोकर बैठते हैं, अपने राइट्स खोकर बैठते हैं। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो एक तरह से इन सभी चीजों के लिए एप्लीकेबल है। दोस्तों, कई बार ऐसे होता है कि लोग जो फंसे हुए हैं वो उस दलदल में से निकल नहीं सकते, और हम देखते हैं कि वो नहीं निकल पाए, उस दलदल में डूब गए। उस दलदल में उनकी जान चली गई, या फिर कह सकते हैं उनकी फैमिली उसमें डूब गया, उनका फैमिली बिखर गया, लॉस हो गया, बर्बाद हो गया, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे सिचुएशंस हैं लॉ में, कभी कोर्ट में जाके लोग फंस जाते हैं। यानी किसी सिचुएशन को ऐसा वो बना लेते हैं कि कोर्ट में जाके कोर्ट के अंदर केस हो जाता है और फिर वो अटक जाते हैं। तो आज हम इन सभी सिचुएशंस के लिए, ऐसे नहीं है कि कोई मैजिक बुलेट है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई ऐसा रामबाण सॉल्यूशन है कि भाई ये करो और प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, कोई ब्रह्मास्त्र है ये करो और तुम्हारे जो भी दुश्मन है वो सब चित हो जाएंगे, आप जीत जाओगे। ऐसा तो कहीं कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, और दुनिया उस तरह से चलती नहीं है। तो हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो ये है कि परिवर्तन कैसे लाया जाए। जब हम लड़ते हैं तो हमारा लड़ना मीनिंगफुल कैसे हो, प्रभावशाली कैसे हो, यानी हमारे लड़ने से कुछ फर्क पड़ना चाहिए। हमारे काम करने से, हमारे स्ट्रगल करने से कोई ना कोई परिवर्तन आना चाहिए सिचुएशन में। और आखिर तो हम तो यही चाहते हैं कि परिवर्तन इतना हो कि हम जीत जाएं, उस कम से कम उस सिचुएशन में से निकल जाएं। वैसे सिचुएशंस तो बहुत सारे हैं, जरूरी नहीं है कि आप लाइफ के हर सिचुएशन में से निकल सकते हो। कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं जिसको झेल लेना पड़ता है, सफर कर लेना पड़ता है, उसको आप बदल नहीं सकते हो, चाहकर भी नहीं बदल सकते हो, और हाथ पैर मारने से शायद उस दलदल में और डीपली घुस जाओगे। तो आज हम डिस्कस जो करने जा रहे हैं वो ये है, थ्योरी ऑफ चेंज, परिवर्तन के लिए एक थ्योरी या कुछ थ्योरीज। आपको अगर जचे, आपको ठीक लगे, अपना लीजिए। जब आपको लगता है कि सिचुएशन सही है, इस मैं जो थ्योरी इसके बारे में बात कर रहा हूं वो आपको जो फिट बैठता है आप यूज कर लीजिए, और अगर नहीं फिट बैठता है तो ठीक है। तो दोस्तों, पहला थियोरी ये है, और अब मैं जो बात करने जा रहा हूं सारे थोड़ा सा रिलीजन टाइप की बातें इसमें होंगी। मैं नास्तिक हूं, मैं पूरी तरह से नास्तिक हूं, मैं किसी सुपर नेचुरल चीज में मानता नहीं हूं, मैं आत्मा में मानता नहीं हूं, मैं परमात्मा में मानता नहीं हूं, और मैं नहीं मानता हूं कि हमारे लाइफ से बाहर कुछ भी है। जो भी है हम ही हैं, हम ही से है सब कुछ। ऐसे नहीं है कि कोई ऊपर वाला आके करके जाता है, ऐसे नहीं है कि कोई ऊपर वाला आके आपको और मुझे बचाएगा, या हमको हमारा नैया पार कराएगा, वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं। तो सिंपल बात है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अध्यात्म की लैंग्वेज में समझाऊंगा, क्योंकि ये लैंग्वेज सहज है, सबको समझ में आता है। अगर मैं बहुत ज्यादा साइंटिफिक थ्योरी की तरह से समझाऊंगा तो वो बात गले नहीं उतरेगा, इसलिए उसको मीठा करने के लिए मैं
कुछ बातों को धर्म के चॉकलेट रैपर में रैप करके आपको दे रहा हूं। तो पहली बात है कि जो समस्या है वो समस्या को हम कैसे देखें, किस नजर से देखें। तो जो भी सिचुएशन है, एक तो एक प्रेयर है, और वो प्रेयर है क्रिश्चियन वाला प्रेयर है शायद, कि इंग्लिश में कहता हूं, ओ गॉड हेल्प मी टू चेंज द थिंग्स दैट आई कैन चेंज, बेयर एंड टॉलर गिव मी द पेशेंस टू बेयर द थिंग्स दैट आई कैनॉट चेंज एंड गिव मी द विजडम टू नो द डिफरेंस। यानी कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति दे कि जिन सिचुएशंस को मैं चेंज कर सकता हूं, बदलाव ला सकता हूं, उसमें मैं बदलाव लाऊं, और जिन सिचुएशंस को मुझे मैं बदलाव नहीं बदल नहीं सकता, मैं मजबूर हूं वो सिचुएशंस के सामने, तो मुझे वो मेरे अंदर वो पेशेंस दे, सहन शक्ति दे कि मैं उसे झेल सकूं, और मेरे अंदर वो विवेक दे जिससे मैं वो फर्क कर सकूं कि मैं ये बदल सकता हूं और ये नहीं बदल सकता और ये मुझे झेलना पड़ेगा। तो ये टाइप का एक प्रेयर है। प्रेयर तो छोड़ दो, शक्ति ताकत साहस ये सब अपने आप को आप ही दे रहे हो, आपको ही देना पड़ेगा, आपको अपने अंदर उसका सर्जन करना पड़ेगा। लेकिन इसमें मोटी बात यह है कि हर सिचुएशन को आप बदल नहीं सकते हो, मैं भी बदल नहीं सकता हूं, कोई बदल नहीं सकता है। और छोटे हो या बड़े हो, आप चींटी हो या हाथी हो, हर एक की अपनी संकट है, अपनी बीमारी है, अपना मौत है। गरीब आदमी भी रोडपति बन जाता है, अमीर आदमी भी कभी कभी रोडपति बन जाता है और अपना खुद का लाइफ खत्म करने में निकल जाता है। ऐसे कई सारे हम लोगों को हम देखते भी हैं। तो ये है लाइफ। अब इसमें बदलाव कैसे लाया जाए, जिस चीज को हम बदल सकते हैं उसके बारे में अभी थोड़ा सा बात करते हैं। तो बदलाव दोस्तों शुरू होता है हमसे। तो इसको मैं वापस एक धर्म की बात कहकर आपको समझाता हूं। ऐसे हम देखते हैं कि कई सारे लोग बहुत कुछ कर जाते हैं लाइफ में, बहुत कुछ एकम्प्लिश कर जाते हैं, यानी सफल होते हैं, और हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग असफल होते हैं। किसी अब ये कह सकते हो कि कोई किसी मापदंड में असफल रहा और किसी चीज पे सफल रहा, यानी कि वो बहुत अमीर हो गया लेकिन उसकी वाइफ उसको छोड़कर चली गई, तो भाई ठीक है वो पैसे के मामले में सफल रहा लेकिन अपनी खुद की निजी जिंदगी के मामले में असफल रहा, तो ये सब होता है। तो हम इसकी भी बात कर रहे हैं, उसकी भी बात कर रहे हैं, हर तरह की सफलता की बात कर रहे हैं। तो सफलता कैसे प्राप्त की जाए, कोई मैजिक सॉल्यूशन नहीं है, कोई मैजिक इसमें फॉर्मूला नहीं है, लेकिन एक चीज याद रखने जैसा है कि बदलाव हमसे आता है, अंदर से आता है। तो ये जो बदलाव है, एक मंत्र जैसे कह रहा हूं कि आप कुछ बदलोगे, इसका हलचल पहले आपके अंदर होना चाहिए, उसको कहते हैं आत्म कृपा। यानी दिल में हलचल होता है कि अब मैं ऐसे नहीं चलाऊंगा, ये जो हो रहा है इसको मैं अब से नहीं झेलूंगा, बहुत झेल लिया, बहुत सह लिया, अब नहीं झेलेंगे। तो ये जो होता है ये आत्मकृपा, आत्मकृपा मतलब आपके अंदर से आती हुई हलचल, मूवमेंट, हरकत, एक एनर्जी जो अंदर से आता है। अब इस एनर्जी को क्या आप पैदा कर सकते हो, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये आपके ऊपर है। आपके अंदर वो विल पावर है, आपका विवेक इतना जागृत है कि भाई एक किसी बात को सुनकर आपके अंदर से वो ताकत फूटता है, हो सकता है। नहीं तो कभी कभी चांस, बाय चांस किसी ने कुछ कह दिया, आपके कानों में पड़ गया,
आपने सोचा, वो विचार ने आपके पूरी लाइफ को परिवर्तन कर दिया। वो विचार से आपकी आत्मकृपा जाग उठी, हो सकता है। तो पहला है आत्मकृपा। अब आत्मकृपा से आप जाग जाते हो, आप कुछ करना चाहते हो, आप कहीं जाना चाहते हो, आप किसी से मिलना चाहते हो, कोई एक्टिविटी करना चाहते हो, लेकिन क्या करें, किधर जाएं? अगर कहीं हथौड़ा मारना है तो किस किल्ली पर हथौड़ा मारें? अगर कोई स्क्रू टाइट करना है तो कौन से स्क्रू को टाइट करें लाइफ में? अगर किसी से मिलना है तो किसके पास जाएं? तो ये सारे जो सवाल हैं, और अगर जाएंगे तो बोलेंगे क्या? जिसको भी अप्रोच करते हैं उसके सामने बोलेंगे क्या? क्या कहें मुंह से? किन शब्दों में अपनी तकलीफ को बयान करें, या किन शब्दों में हम अपनी मांग रखें जिससे वो परिवर्तन आ जाए? तो इसमें थोड़ी सी वो जिसे कहते हैं टेक्नोलॉजी या गाइडेंस की जरूरत है। अब इसमें क्या करें, कैसे करें, क्यों करें, किस समय पर करें, एग्जैक्टली किन शब्दों में करें, लिखना है तो क्या लिखें, लिखा पढ़ी करना पड़ेगा तो किस तरह का डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, किस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो हमारा नफा हो जाएगा या नुकसान बंद हो जाएगा, वगैरह वगैरह। इसको कहते हैं गुरु कृपा। तो पहले था आत्मकृपा जो आपके अंदर से निकलता है, फिर है गुरु कृपा। गुरु कृपा मतलब भाई कोई बाहर से, अब वो गुरु कोई भी हो सकता है, एक न्यूज़पेपर भी हो सकता है। आपके अंदर वो चीज जगी हुई है, आप किसी न्यूज़पेपर को पढ़ोगे उसमें लिखे हाँ मिल जाएगा, ये केस को साइट करो फटाक से, अब आप वो केस को मेंशन करोगे, जज आपकी बात मान जाता है, आप जीत गए, ऐसे होता है। एक किताब, अचानक से एक किताब आपके सामने आ जाता है, वो किताब बेकार है वैसे, आपके इसका कोई मतलब की बात नहीं है, लेकिन उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है जिससे आपकी दिमाग की बत्ती जल जाती है, आपको आइडियाज आ जाते हैं, आपको कुछ मिल जाता है उसमें से, उसको आप इंप्लीमेंट करते हो, जीत जाते हो। मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा कि किस तरह से हुआ, मेरे साथ हुआ है। तो यह है गुरु कृपा। और लास्ट है दैव कृपा। दैव कृपा मतलब देवों की कृपा। अब अगर आपके अंदर वो जगी है, आपने कुछ किया, आप कुछ प्रयास करना चाहते थे, आपने कुछ ना कुछ किया, आपको कहीं ना कहीं से जानकारी मिली कि क्या करना चाहिए, और फिर आपने कुछ किया, तो थोड़ा किया, बहुत किया, सही प्रमाण में किया, वो सब लक है। क्योंकि हो सकता है कभी कभी कि आपने न किया होता तो बेहतर होता, या आपने किया होता लेकिन आपको और करना चाहिए था, या कम करना चाहिए था, या कहीं और करना चाहिए था, जो भी करना। तो आपको सक्सेस मिलना वो है दैव कृपा, देवों का कृपा, या फिर नास्तिक की भाषा में कहें तो लक, चांस, कोइंसिडेंस, ये सब। अब जो लोग आस्तिक है, मैं आपसे आपके आस्था लेना नहीं चाहता, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यार आस्था को छोड़ दो। मैं नास्तिक हूं, क्यों नास्तिक हूं, क्या समझ के नास्तिक हूं, मेरी जर्नी क्या रही है, आपकी जर्नी सेम नहीं हो सकती है, तो मैं ये आपसे नहीं कहूंगा अरे तुम नास्तिक बन जाओ, आप रहो अपने आस्था में। तो आपके आस्था की भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं कि दैव कृपा। अब दैव कृपा कब आता है? दैव कृपा आता है जब पहले आपके अंदर वो कुछ जगी थी, आपने कुछ किया, आपको गुरु कृपा मिली, आपको टेक्नोलॉजी मिला, आपको गाइडेंस मिला, आपको सपोर्ट मिला, आपको डायरेक्शन मिले, और फिर ये सब का परिणाम ये हुआ कि आपने कुछ किया, और वो करने का परिणाम ये हुआ कि आपको जो फल मिलना चाहिए था, या उससे कई ज्यादा या उससे कई कम या कुछ कम, वो मिला, वो था दैव कृपा। तो ये एक बेसिकली थियोरी ऑफ एक्शन है, या थियोरी ऑफ चेंज है। आपको पहले जागना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, यहां से शुरू होता है आपका जर्नी। अब गुरु कृपा की बात है तो गुरु कृपा के लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा,
आपको इधर उधर आपके दिमाग को खुला रखना पड़ेगा। मैं आपको अभी मेरे लाइफ से कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आत्मकृपा, गुरु कृपा, दैव कृपा। 2009 की बात है, शायद 8 या 9 की बात है। 2009 में शायद मेरे अगेंस्ट केस हुआ था, 2008 में केस रेलवे पुलिस का था। मैं सिचुएशन आपको बाद में समझाता हूं, कुछ पोस्टर चिपकाने के बारे में कि रेलवे इसमें मैंने कोई आंदोलन छेड़ रखा था, अभी वो सब डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन किसी ने उसके मेरे लेटर्स को पोस्टर बनाकर इसमें चिपका दिया था। मैं जानता भी हूं किसने चिपकाया था, मैंने नहीं चिपकाया था, लेकिन तो वो वॉल्स पे चिपका दिए थे, धड़ाधड़ चिपका दिए थे। उसमें मेरा फोन नंबर था, तो नेचुरली उन्होंने मुझे फोन किया और रेलवे पुलिस ने मुझे बुलाया, इंटरोगेट किया, मेरे अगेंस्ट केस कर दिया। मजिस्ट्रेट के सामने अपियर हो रहा था पहली बार, मैं घबरा रहा था। नहीं, पहली बार नहीं है, वैसे दूसरी बार है लाइफ में, मैंने क्या नहीं काफी मस्ती भी करी है, तो दूसरी बार, लेकिन मैं घबरा रहा था। मैंने एक वकील को भी रखा, वो वकील आया नहीं, वो अपियर ही नहीं हुआ। मैं था चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में और जज मेरे सामने है, मैं बैठा हुआ हूं। मैंने कहा चलो मैं अपने आप को अपियर कर लेता हूं, अब मैं डिफेंस कर रहा हूं, मैं अपनी डिफेंस के बारे में सोच रहा हूं, क्या करूं, कैसे करूं, किस तरह से मैं अपने आप को डिफेंड करूं। उसी समय मेरे पहले एक किसी का केस था, उस केस में उस बंदे ने खड़े होकर पंचनामा विटनेसेस, यानी वो तो आई थिंक लॉयर था, उसने पंचनामा विटनेसेस का क्रॉस एग्जामिनेशन किया। उससे मुझे आइडिया आया कि मुझे क्या करना है। उसके एक या दो केस बाद मेरी बारी आई, तो मैं खड़ा हो गया और पुलिस ने कहा कि देखो ये पंचनामा है, पंचनामा मतलब एक विटनेस लेने का एक सिस्टम है, और पंचनामा कह रहा है कि इन्होंने, इनके सारे जो पोस्टर्स हैं वो ट्रेन में लगे हुए थे। अब मैं बहुत लंबा लड़ाई, टेक्निकल लड़ाई लड़ सकता था, लेकिन भाई वो बहुत लंबा चलता, केस चलता, तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा यार वो पंचनामा विटनेस से मैंने बात किया, मैंने कहा मजिस्ट्रेट से कि मैं पंचनामा से कुछ बात करना चाहता हूं, एक ही बंदा था, मैंने कहा उनसे, उससे कुछ बात करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं उससे। उन्होंने कहा सब पूछिए। तो मैंने पंचनामा विटनेस से कहा कि तुम ट्रेन में चढ़े थे और ट्रेन के बोगी में तुमने ये सब पोस्टर्स देखे, इज दैट करेक्ट? ही सेड करेक्ट, ये सब पोस्टर्स बोगी में चिपके हुए थे ऐसे तुम कह रहे हो, करेक्ट? उसने कहा करेक्ट। सैंपल भी था, पुलिस सैंपल लेके आई थी, एक पोस्टर लेके आया था। मैंने कहा देखो खबरदार रहो, पहली बात कि तुम विटनेस हो, अगर झूठ बोलोगे तो उसके लिए तुम्हारे अगेंस्ट केस हो सकता है जिसका नाम है परजरी प्रोसीडिंग्स, यानी झूठ बोलने से बचो, तुम संभालो पहले, मैं आपको आपके अधिकारों का पूरा ज्ञान दे रहा हूं, संभाल जाओ। अब मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं ठीक से सोच के जवाब देना। उसने बोला ठीक है। मैंने कहा तुम ट्रेन में नहीं चढ़े थे, मैं कह रहा हूं तुमको ट्रेन में नहीं चढ़ाया गया, तुमको पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, तुमको ये पोस्टर दिखाया गया और तुमसे कहा कि यहां पे साइन करो कि तुम ट्रेन में चढ़े थे और ट्रेन में पोस्टर लगा हुआ था और ये सब देख के तुमने तुम आज विटनेस बन के खड़े हो। एम आई करेक्ट कि तुम ट्रेन में कभी चढ़े नहीं हो? किस ट्रेन की बात कर रहे हैं पुलिस, उसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता, तुमने सिर्फ ये पोस्टर को पुलिस स्टेशन में पुलिस के टेबल पे देखा है, मैं सच कह रहा हूं या झूठ कह रहा हूं चलो बताओ। तो बंदे की फट गई, वो जो पंचनामा विटनेस था उसने बोला हाँ बराबर है, ऐसे ही होता है,
ऐसे ही होता है, हमेशा ऐसे ही होता है कि पंचनामा विटनेसेस को बुलाया जाता है और दिखाया जाता है, पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है, पंचनामा के लिए थोड़ी ना हमको ट्रेन में लिया जाता है। तो ये नॉर्मली ये पंचनामा विटनेसेस जो हैं वो रिपीटेडली सेम पुलिस यूज करते हैं, तो उनसे जो बुलवाना होता है वो बुलवा लेते हैं, यानी बेसिकली दे आर फॉल्स विटनेसेस। तो मैंने सीधा मैजिस्ट्रेट से कहा, देखिए ये बंदा खुद कबूल कर रहा है कि वो फॉल्स विटनेस है, केस डिसमिस करिए। इमीडिएटली केस डिसमिस हो गया, और उल्टे में जज ने मेरी थोड़ी प्रशंसा की, उन्होंने कहा कि यार तुम एक एक्टिविस्ट को परेशान कर रहे हो, पुलिस को ऐसे नहीं करना चाहिए, एक्टिविस्ट को परेशान नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह। मेरा जो वकील, मैंने पहले जो वकील कर रखा था जिसने मुझे गाइड नहीं किया, और दरअसल वो मिसगाइड कर रहा था, और पुलिस भी मुझे मिसगाइड कर रही थी कि चलो अपनी गलती मान लो, गलती मान लोगे तो तुम्हें कम सजा मिलेगी वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब ये है, अभी व्हाट इज आत्मकृपा। वैसे एक और भी बार हुआ है कि ये लोधा के केस में मुझे, मेरा जिस दिन हियरिंग था मैं सोच रहा था क्या करूं क्या करूं क्या करूं, और उस समय मैंने एक दोस्त को फोन किया जो वहीं लोधा न्यू कफ परेड में रहते थे, और उनसे कहा कि क्या आप जानते हो मेरा आज केस की सुनवाई है, केस की सुनवाई है। तो बोले हाँ। तो मैंने बोला आ जाओ ना, आप कहां पर हो? तो बोले हाँ मैं कोर्ट फोर्ट एरिया के सामने, यानी कोर्ट के पास में ही काम करता हूं। मैंने कहा आ तो जाओ, अभी पहला अपना नंबर लगेगा। वो बंदा आ गया, अभी वो मेरी नसीब थी, बहुत अच्छा नसीब था कि वो बंदा आ गया, पहुंच गया। मैंने कहा अच्छा आपने जो भी आरटीआई वगैरह मार के रखे थे उनसे पहले बात हुई थी कि उन्होंने क्या आरटीआई मारा था, लोधा ने क्या देने से मना करवाया था वो सब, और कुछ कुछ सामान मिला भी था, यानी पेपर्स मिले भी थे अंडर आरटीआई। मैंने कहा यार आरटीआई ये सब एकदम लास्ट मिनट में, यानी 11 बजे को हियरिंग है और 9:30 को मेरी बात हो रही है उससे, मैं ट्रेन में हूं और मैं बात कर रहा हूं, और ट्रेन भी ऑलरेडी ग्रैंड रोड पहुंच चुकी थी, मैं बोरीवली से निकला था, ऑलरेडी ग्रैंड रोड के पास पहुंच चुका था, और तब मैंने फोन किया। वो बंदा आ गया, सारे आरटीआई के पेपर्स लेके आया, मैंने उससे कॉपीज करवाए कि 5 कॉपीज करके दे दो मुझे जल्दी से। उसने कॉपीज किए, कॉपीज करने में थोड़ा फंबल भी किया उसने, बहुत यानी अरेंज रीअरेंज कर रहा था जैसे भी था। जब हमारा केस शुरू हुआ तो वो बंदे ने मुझे पेपर्स पकड़ाए, मैंने जज को वो पेपर्स के बारे में जिक्र किया, मुझे उन्होंने जो पूछा उसके लिए बहुत अच्छा, यानी सही फिट बैठा एकदम, और जजमेंट हमारे फेवर में। तो ये था दैव कृपा। तो जब आत्मकृपा है और गुरु कृपा है तो दैव कृपा मिल सकता है, संभव है। जय हिंद।